अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज फिर राजस्थान के अलवर में हमारे एक दोस्त, हमारे एक भाई अलवर खान को गोआतंकियों ने बहुत ही बेरहमी से पीट पीट के मार डाला। ये क्या हो रहा है देश में, ये क्या हो रहा है? हम लोगों की धैर्य की परीक्षा लिए जा रही है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, मुसलमान कमज़ोर हो गया? जी नहीं, हम लोगों के तलवार में अभी भी जंग नहीं लगा है। अभी भी मुझे शाहरुख खान की एक रेस फिल्म की वो डायलॉग याद आ रहा है कि हम क्या सराफत क्या हो गए, पूरे दुनिया ही बदमाश हो गए। आप लोगों की याद दिला दूं फिर से, वो 1992 जब मुंबई में हमला हुआ था, क्या वो दिन फिर से आप चाहते हैं? फिर से कोई ब्लास्ट, फिर से वो हाजी मस्तान की, फिर से वो दाऊद इब्राहिम अबू सालेम की? हम लोग बहुत खामोश बैठे। सिर्फ हम लोग के ऊपर ये जिम्मेवारी नहीं कि देश में अमन और शांति बने रहे, भाईचारा बने रहे, आप लोग को भी सोचना पड़ेगा। आप लोग होशियार हो जाइए, और ये एक की बात अखलाक से ले गए आज अकबर तक, जुनेद को किस वजह से मारा गया, क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए। तो मैं उन राजनेताओं से बोलना चाहूँगा जो के विरोधी में है, उनको भी बोलना चाहूँगा, कांग्रेस के और ख़ासकर वेस्ट बंगाल में जो हमारे तृणमूल सरकार है, आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? विरोध कीजिए, सामने आइए। आप लोग तो बोलते हैं आप लोग मुसलमान के साथ में हैं, तो विरोध कीजिए। आप ममता जी, आप कलकत्ता में धर्मतला में आप 21 जुलाई का बहुत बड़ा एक भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे जो मुसलमान के खिलाफ जो आवाज़ उठाइए, आप इस तरह का एक भीड़ बुलाइए, हम लोग जाएंगे सब वहाँ से विरोध करेंगे, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए हम लोग आवाज़ तुलेंगे। ये अगर आप लोग राजनीतिक तरफ से गणतांत्रिक हिसाब से नहीं कर सकते हैं, तो फिर से हम लोगों को अपना वो असली चेहरा दिखाना पड़ेगा, हम लोगों को हथियार उठा लेना पड़ेगा। आप लोगों को ये चेतावनी है मेरी कि आप लोग बस आ जाइए, मोदी जी आप लोग अभी भी आग से खेल रहे हैं, आग से मत खेलिए, जल जाएंगे। हम लोग डरने वालों में से नहीं है, हम लोग शहादत पसंद इंसान है, शहादत के लिए कुछ भी कर जाएंगे। अमन पसंद लोग है, अमन के लिए कुछ भी कर जाएंगे। एक बार अगर हम लोग अपने पे आ जाए, तो ये जो हम लोग 14% है पूरा हिंदुस्तान में, 14% आप लोगों को काफ़ी भारी पड़ जाएगा। आप लोग को मेरा खुला चेतावनी है, जल्द से जल्द आप लोग अपना ये जो भेड़ियों की तरह झुंड में आके मारने की जो एक कोशिश चल रही है, एक जो पूरा देश में, ये बंद कीजिए। अगर इतना ही माँ का दूध पिया है तो आके लेकर आइए, देखते हैं आप लोग में कितना दम है। ये तो हम लोग का शराफत ही है कि हम लोग अभी तक चुप है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि चलो भाईचारा है, भाईचारा को बरकरार रखे। लेकिन आप लोग अगर यही चाहते हैं तो हम लोगों की अपना रंग दिखाना पड़ेगा, ठीक है भाइयों? और मैं ये मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहूँगा, आप लोग भी निकल कर आइए, विरोध कीजिए, जोर तोर से विरोध कीजिए। कब तक और कितने मैयत उठाएंगे आप लोग? आप लोग अभी भी आँख नहीं खुल रहा है, कितना हो गया? आप लोग अभी तक तो गिनती भी भूल के होंगे, अखलाक से लेके, जुनेद से लेके, अच्छा अकबर, फिर कल आपका बारी आ सकता है। इसीलिए आप लोग से कहता हूँ, आप लोग भी इकट्ठा हो जाइए, एकजुट हो जाइए, रास्ते में आइए, विरोध कीजिए। और जो भी हम लोग का जो मसीहा है, जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ में आके खड़े हो जाइए। खुदा हाफिज़।